आज हम आपको एक ऐसे विशाल पुल से परिचित कराने जा रहे हैं जो कुछ लोगों की केवल एक दिन की कमाई से निर्मित हुआ है। आज का आदमी यही सोचता है कि आखिर एक दिन की कमाई से क्या हो सकता है, लेकिन सन 1850 में कुछ व्यापारियों ने अपनी एक दिन की आमदनी से एक शानदार पुल का निर्माण करा दिया था। आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें मनगढ़ंत हैं, क्योंकि केवल एक दिन की कमाई से पुल का निर्माण कराना अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। प्राचीन समय में एक दिन की कमाई से बनाया हुआ पुल आज भी अपनी भव्यता और खूबसूरती भरे इतिहास की गाथा गा रहा है। यह एक दिन की कमाई से बना हुआ पुल कहाँ है? वे कौन से व्यापारी थे जिन्होंने इस पुल का निर्माण कराया? उनकी एक दिन की कमाई आखिर कितनी रही होगी? जिनके योगदान से एक सपना जो सच हुआ, आइए जानते हैं सब कुछ। केवल एक दिन की कमाई से बनाया जाने वाला यह पुल भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में स्थित है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1850 में कराया गया था। इस पुल की कहानी बहुत पुरानी है। उस समय बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ आदि जिलों से आने जाने वाले रुई के व्यापारियों का मुख्य केंद्र मिर्जापुर ही हुआ करता था। वे व्यापारी रुई व्यवसाय के लिए मिर्जापुर ही आया जाया करते थे। यह वह समय था जब मिर्जापुर की रुई की मांग विदेशों तक थी। व्यापारी लोग व्यवसाय के सिलसिले में जब विंध्याचल से होते हुए मिर्जापुर आते थे तो उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिस बड़ी नदी का नाम था ओझला नदी। एक दिन की बात है, एक व्यापारी अपनी रुई को नाव में लाद कर दूसरी तरफ ले जा रहा था कि बीच नदी में तेज बहाव आया और उस व्यापारी की सारी रुई भीग गई। उस व्यापारी ने उसी दिन यह संकल्प लिया कि वह एक ऐसा उपाय करेगा जिससे व्यापारियों को नाव के द्वारा आना जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नदी का बहाव नाव में लदी हुई रुई को नुकसान पहुंचाता है। उस व्यापारी ने अन्य व्यापारियों को एकजुट किया। मिर्जापुर में रुई व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ओझला नदी पर एक भव्य पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण में होने वाले खर्च के लिए सभी रुई व्यवसायी अपनी एक दिन की कमाई ओझला पुल के निर्माण के लिए देंगे। सभी रुई व्यापारी ओझला पुल के निर्माण के लिए अपनी एक दिन की कमाई देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। जब सभी रुई के व्यापारियों द्वारा पुल के निर्माण के लिए उनके योगदान की धनराशि एकत्रित हुई तो यह धनराशि वर्ष 1850 में लगभग 50 लाख रुपये थी। उस समय का 50 लाख रुपया आज के लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर था। जरा सोचिए कि कुछ रुई व्यापारियों द्वारा एकत्र की गई उनकी एक दिन की कमाई इतनी अधिक हो सकती है, तो अनुमान लगाइए कि उस पुराने जमाने में रुई के व्यापारी एक महीने में कितना ज्यादा कमाते रहे होंगे। ओझला नदी पर पुल के लिए धन राशि एकत्रित होने के पश्चात एक महंत परशुराम गिरी नामक व्यक्ति को सारे रुपए दे दिए गए, जिन्होंने उस धन से एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आइए जानते हैं कि ओझला पर बना यह पुल अद्भुत किस प्रकार से है। आश्चर्य की बात यह है कि मिर्जापुर की ओझला नदी पर बना यह पुल ऊपर से एक विशाल सेतु के रूप में नजर आता है, लेकिन यदि आप इस पुल के भीतरी हिस्सों को देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह पुल इतना विशाल बनाया गया है कि इसके पिलर में व्यापारियों के रुकने के लिए गर्भगृह की भी व्यवस्था है। एक पंथ दो काज, यानी कि ऊपर से दिखने वाला यह ओझला नदी का पुल अंदर से विशालकाय भवनों को समेटे हुए है। रुई के व्यापारियों ने अपने लिए इस ओझला पुल को केवल पार करने के लिए ही नहीं बनवाया था, बल्कि उसमें दूर दराज से आने वाले रुई व्यापारियों के रुकने की भी व्यवस्था बना ली थी। आज मिर्जापुर का यह ओझला पुल अपने सुनहरे इतिहास की कहानी कह रहा है। यह पुल वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। देखने से ऐसा लगता है कि इसको बनाने वालों ने बड़े दिल से इस पुल का निर्माण कराया होगा। इस पुल पर उकेरी गई सुंदर कला और नक्काशी ने इस जगह को एक अनुपम स्थान बना दिया है। जो भी यहाँ आता है पल भर को ओझला पुल की खूबसूरती में खो जाता है। इस पुल की भव्यता और कलाकारी पथिक को अपनी ओर आकर्षित करती है।
इस शानदार पुल को देखकर यही लगता है कि इसको प्राचीन काल के किसी राजा महाराजा ने बनवाया होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यह ओझला पुल किसी राजमहल का हिस्सा रहा होगा। लेकिन यहाँ आने वाले विदेशियों को जब इस बात का पता लगता है कि इस भव्य ओझला पुल को कुछ रुई के व्यापारियों ने अपने एक दिन की कमाई से बनवाया था, तो उनके मुँह से यही निकलता है कि धन्य है भारत देश और धन्य है यहाँ के रहने वाले लोग।